उधर अतीक के भाई अशरफ की जिस चिट्ठी का जिक्र मीडिया में हो रहा है उसे उनके वकील विजय मिश्रा ने फेक बता दिया। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि बरेली जेल में अशरफ से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उसने एक चिट्ठी के बारे में ये कहकर बताया कि अगर उसकी हत्या हुई तो ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच जाएगी। तो चिट्ठी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि चिट्ठी पहुंच जाएगी, तो अब उनका बयान था तो सट्टा चिट्ठी कहीं रखी हो कहीं पर। लेकिन मीडिया में जिस चिट्ठी का जिक्र हुआ उसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और दावा किया कि बरेली जेल में किसी अधिकारी ने अशरफ की हत्या को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी। जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी किसी तरह का संपर्क होने से मना किया गया, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर शाइस्ता परवीन किसी तरह उनके संपर्क में आई तो उसे सरेंडर करवाने की कोशिश करेंगे। शाइस्ता परवीन जी से पिछले एक हफ्ते संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता परवीन जांच शुरू होने के बाद से गायब है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। गैंगस्टर अतीक अहमद के नाम के साथ जी लगाना तेजस्वी यादव को भारी पड़ गया। उनके इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उनकी सरकार में गुंडे माफिया पाले पोसे गए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग इनको पूजनीय तो लगेंगे ही। तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में अतीक अहमद के नाम के साथ जी लगाया था। अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बयान के साथ ये भी साफ कर दिया कि अपराध और अपराधी दोनों से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर हराउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आबकारी घोटाला मामले में आरोपी हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हराउज एवेन्यू कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी है, तो आज काफी अहम दिन है मनीष सिसोदिया के लिए। बिहार के नालंदा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां छापेमारी के समय भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए जिन्हें तहखाने में छिपाकर रखा गया। जहां पुलिस को छापेमारी में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक घर की दीवार में बने तहखाने से 2203 जिंदा कारतूस, दो पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की। दो बार छापेमारी की है, पहली बार छापेमारी में वहां पर भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ, दूसरी बार जो छापेमारी हुई उसमें हम लोगों ने दो पिस्तौल बरामद किया, दो काले रंग का लोहे का मैगजीन बरामद किया। पूरे मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस गंभीरता से पूछताछ कर रही है। वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। लॉरेंस को पंजाब की बठिंडा जेल से दिल्ली लाया गया है, आज उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सबसे बड़े रॉकेट का लॉन्च टल गया, जिसकी जानकारी खुद इलॉन मस्क ने ट्वीट के जरिए दी और बताया कि लॉन्च से पहले उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से स्पेसएक्स इतिहास रचने से चूक गया। क्योंकि अगर ये लॉन्च कामयाब हो जाता तो वो न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट का लॉन्च होता, बल्कि इसके जरिए पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख पाता।